तीन चार बंद ने मैं चुक लिया तो अनपछाती जगह पर लै गए। मेरे डैडी के सिर के वाल कटते बेदबी की कार्डा की और बहुत दुख लगा जी। एक मिनट साफ चाहिए बस कहते हैं कि तेरे वर्ग के सिख बे वेख के लभ लभ के मारने दाड़ी कटनी है। बेअदबी वर्गे मामलों सिख संगत नूं लंबे समय तो इंसाफ की उड़ीक पर कई साल बीत जाने तो बाद भी इंसाफ तो नहीं मिले पर लोगों की धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाने वाला कोई ना कोई मामला सामने जरूर आ जाता जो लोगों की मानसिकता से वड्डे सवाल भी खड़े करता तो माहौल नूं खराब करन दी कोशिश भी। हुण गुरदासपुर तो एक अजिहा मामला सामने आया ज कह सकते हाँ कि चार लोगों की अजिही दरिंदगी सामने आई है जिसने इलाके विच दहशत का माहौल बना दिता। एक अमरधारी व्यक्ति ते चार अणपछाते लोगों वालों अन्ना तशद्दत किया गया। तशद्दत भी अजिहा जो धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाने वाला क्योंकि अमरधारी व्यक्ति के केसां की बेअदबी भी की गई है तो मूंह दे विच नशा पाउण की कोशिश भी की गई है। मामला पिंड वल दा जानकारी के मुताबिक पिंड वल दे बलवंत सिंह बीती रात करीब 8 बजे जब अपने वाहन से अपने पिंड वल तो कोट संतोख राय वल जा रहे सी तो रास्ते दे विच एक व्यक्ति ने उसनू रोकिया ते लिफ्ट मंगी। कुछ दूरी ते जाके लिफ्ट मंगण वाले व्यक्ति ने बलवंत सिंह नू हथियार दिखा के डराया धमकाया ते जबरन सुनसान जगह ते लै गया जिथे पहला ही उसके कई साथी मौजूद सी जिस तों बाद बलवंत सिंह नाल कुटमार की गई उसके केसां दी बेअदबी की गई उस तो बाद उसके मूँह च शराब भी पाई गई तो चिट्टे का नशा पाउण दी भी कोशिश की गई। बलवंत सिंह ने विरोध किया तो दरिंदियां ने किरचां दे नाल उसनू जख्मी कर दिता तो उत्थों फरार हो गए जिस तो बाद बड़ी मुश्किल दे नाल बलवंत सिंह ने अपने रिश्तेदारां कोल पहुँच के अपनी जान बचाई। फिर परिवारिक मैंबरां दे वल्लों बलवंत सिंह नू हस्पताल दाखिल करवाया गया। हस्पताल विच जेरे बलवंत सिंह तो जानते हाँ पूरा मामला। भाजी मैं ना बल्ला तो कोर्ट में जान दिया ही तीन चार बंद ने मैं चुक लिया तो अनपछाती जगह पर लै गए। मेरे डैडी तो सिर के वाल कटते बेदबी की कार्डा की और बहुत दुख लगा जी। जी मैं इंसाफ चाहिए बस कहते हैं कि तेरे वर्गे सिख बे वेख के लभ लभ के मारने दाड़ी कटनी है वह चार जाने वीर जी। मैं भीर जी मैं इतों बल्ला तो तेल पा के तो मैं टीका लाने जा रहा सरमे को ला दर्द करती टाइम पौने कट ही। पीड़ित के पिता वालों इंसाफ की मांग की गई है नाल ही एक पुलिस मुलाजम से कुछ सवाल भी खड़े किए गए ने। बेटा बलवंत सिंह घरों आया दवाई लैन वास्ते आन के इन्हें डरन वाले पेट्रोल पंप तो तेल पाया इहदा रस्ते च 200 हार्डवेयर की दुकान आ उन्हें आवाज मार ली वो 10 मिनट रुकिया वा फिर उतों ये कोट शर्मे की दुकान आ मैडिकल स्टोर उतों इंजैक्शन लाना ही तो उतों वो चल पिया तो लाली के घर के सामने इनू एक कोई बंदा मिलया जिन्हू रोकया इनू तो ये मगर बह गया इन्हें हाथ दिता तो बहाल लिया मुड़ के कोट जा के इनू पता नहीं किरच दिखाई की चीज़ दिखाई है ये साइड से वो लगिया भी निशान इनू छोटेपुर लै गया छोटेपुर तो फिर राह चो ही जोगोवाल नूं मोड़ लिया कोई सूआ ही जांदा उत्थों दी फिर जोगोवाल तो अगे भखारीवाल नूं जा के रस्ते च इक इह जगह ते इहदा सारे कपड़े कुपड़े लाते दारू इहदे शराब मूँह च पाई ते चिट्टा भी पाया पर चिट्टा पाउडर जिहा पाया पता नहीं उह किदां दा ही की गोलियां भी पाईआं गोलियां मिलियां भी आ उत्थों ते सारी इहदे फिर वाल भी कट्टे सिर दे भी दाढ़ी दे भी ते नंगा घर आया मुड़ के अपने साधू दे घर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके लग तो सानू परिवार सारा ही छे जी हैं छे अमृतधारी हाँ पर साड़ी एस आई ए साहब आए ही कि उन्होंने आण के कहा तुम इनू पुछो भी ये इन्हें आपे तो नहीं किया थाने ते ही रात नू फिर रिपोर्ट करके आए हाँ तो राती आए तो रात जाके वेख के मुड़ के आण के सानू आंदे इनू पुछो इन्हें आपे ही कट्टे होने ये एस आई थानेदार जरा आएगा राजेंद्र कुमार
उन्हें आन के आख्या भी इदा इदा तो सवेरे फिर आया दोबारा आंदा एक बार इन पुछ लो कल इन्हें आपे तो नहीं किया तो अं आखिया छे परिवार छे जी हाँ तो छियाने पर छक अं ये कर सकते हैं 20 साल हो गए अमृत छके भंग करना ही तो तुम पग रखी है सिर तुम इदा कर सकते जी अं अपने इंसाफ की मांग करने भी सू इंसाफ दवाया जाए साढ़े व्यारी लभे जाने जोड़ा इदा किया जाए। उधर इस पूरे मामले बाबत एस पी हरविंदर सिंह का की कहना सुनो। सिंह सन ऑफ बच्चन सिंह वासी पिंड बल तो ये थाना धारीवाल इन्होंने कल एक आके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि परसों ये शामी करीब 6 बजे घरों निकलिया सीगा तो उस बाद तेल पवाया उस धारीवाल गया तो वापसी तो कुछ देर रुकया भी कितने तो जो ये उस तो किसी ने लिफ्ट लई वो बंदे ने मूँह लपेटिया सीगा अगे जा के वो इनू लै गए दो तीन पिंड छड़ के खाली थान से ले जा के तो अगो तीन मुंडे होर उत्थे आ गए तो उन्होंने ये जिहड़े दाढ़ी वगैरह जिहड़ी उह कट दित्ती ते ठीक है जी इनू उत्थों मतलब वापस ही उत्थों निकल के ते अपने सांडू दे घर चल गया ते आ के वापस साढ़े कोल परचा दर्ज जिहदे संबंधी धारीवाल जिहड़ा आ परचा दर्ज किया गया अंडर सैक्शन 295-323 ये चार बंदे अणपछाते चार बंदे दे खिलाफ दर्ज होया जो इहदे विच असीं सीसीटीवी कैमरे वगैरह ते होर जिहड़ी आ मदद लै के स्टाफ दी स्पैशल स्टाफ दी ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ SHO DSP ਸਾਡੇ DSP ਦੀਨਾਨਗਰ ਸੋਰੀ DSP ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡ DSP ਡੀ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੈਜ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਿਆਇਆ ਕੋਈ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਪਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰ ਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਕਕਾਰ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ।